एक्सट्रीम है ये भी। हम जा रहे हैं सतलुज रिवर के पास। यार मुझसे तो व्लॉगिंग ही नहीं हो रही ना। ओ, सोहेल सोहेल गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बोला ही नहीं जा रहा लेकिन बोल दिया। अरे हम जा रहे हैं कहीं, बताते हैं आगे जाके। छः बंदे इनोवा से और टाइम हो रहा है 11:08। फुल एडवेंचर करने जा रहे हैं। सडनली प्लान बना है, हमें दिन में निकलना था लेकिन हम रात में निकल रहे हैं। अभी नाइट जर्नी करेंगे, नाइट जर्नी करेंगे। व्लॉगिंग नहीं हो रही, बहुत दिन हो गए यार करे हुए, कम से कम 2 महीने हो गए। लास्ट व्लॉग वही पानीपत का करा था तेरा, सही है ट्रंक में। ये पानी की बोतल ले लूँ ना यार, ये भी ले लिया। स्कॉर्पियो में तो कुछ भी ना है इसका मुकाबला। और क्या अपनी इनोवा मस्त, मजा आ रहा है जैसे प्लेन में बैठे हो। पानी के जाम में खड़े हैं यार। और भी कुछ क्या है खाने में दिख रही हो? हमारे पास लॉट्स ऑफ सामान, बहुत सारा। अरे ला ना यार, कुछ भी ना हुई है, बर्फ नहीं है, दिखा। अंधेरा बहुत है, मेरी बॉडी आ रही है, आ रही है। बंद कर दो भाई, बंद कर ले, बंद कर ले, हमें तो डाउन कर लो। ना 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 ना, क्या ट्रैवलर बाबा, ट्रैवलर लेडीज वन, बहुत सामान है हमारे पास, बहुत ज्यादा है। बर्फी खाई जा रही है, दिखाई बंद कर दे, दिखाओ यार गाली वाली। डोंट अब्यूज, मिलिए फ्रेंड्स। रिजवान लुक बैक, लुक बैक, अल्लाह बैक, लुक बैक। अच्छा लुक बैक ले। सोहेल भैया बर्फी कुलदीप बना के लाया, खोएगी। ये कुलदीप रावत है, ये ट्रेवलर बाबा है, ये राम डागर है। और ड्राइवर की देखना हमारे कहाँ तोड़ गया। आजा भाई आजा नीचे, टाइम हो रहा है 2:44। जाम बहुत बड़ा लगा हुआ है, गाड़ियाँ बिल्कुल रुकी हुई हैं। हमने भी गाड़ी बंद कर ली अपनी, थोड़ा नाश्ता चल रहा है। सोहेल आ गया और को ड्राइवर मैं। अभी बस हम अंबाला पहुंचने वाले हैं। सुबह हो चुकी है, टाइम हो रहा है 5:12। ट्रांजेक्शन ब्रेक लेंगे अभी चाय वगैरह के लिए। ये साइड में हमारे रेलवे ट्रैक, पहाड़ों की पहली झलक और सूरज की पहली झलक। भाई गर्मी है, इतनी तेज निकलता वो दिखाई दे रही है पहाड़ के पीक। ओए होए होए होए, सूरज की किरणें प्यारी प्यारी पड़ रही हैं, मजा आ रहा। राम ने यहाँ रुक के डिसीजन लिया था वो, देख यहाँ जब पहली बार मना लिया थे, यहाँ से सेब लिए थे। शिमला कितना रह गया? 92 है, चल अब तो ही ना होगा 92 यार। हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है भाई। वो जा रही ट्रेन, ये वाली इसमें नहीं बैठे, इसमें बैठे, इसमें बैठे एक बार। गाड़ी ये कुल्लू ले आएगा, कुल्लू ने देखा हुआ ना तुमने, हम हम आगे को चले जाएंगे। क्यों कुलदीप, लोकल लोग इस्तेमाल करते होंगे डेली? हाँ लोकल लोग करते होंगे। धूप बड़ी तेज निकल रही है, 6:30 भी। अब शिमला वाला रास्ता सिंगल हो गया और पहाड़ भी अच्छे अच्छे आ गए, लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है यहाँ पर। ड्राइविंग करने में मजा आ रहा है सोहेल को। पूरी गाड़ी में सोपता पड़ा हुआ, बस हमारे इमरान भैया जग रहे हैं। हम भी सो जाएं, आंखें भारी हो चुकी हैं इसलिए चश्मा लगाना जरूरी है। बस आगे जाके शिमला पार करके हम रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। पराठे हम घर से बनवा के लाए थे, कुछ अपने रास्ते में खा लिए, कुछ अभी बाकी है। पीछे देखिए कैसा व्यू आ रहा, मुंडी टेढ़ी आ रही है कुलदीप की। जिंदा है वो। सिंगल रोड हो गया, अब थोड़ा हमें ध्यान से चलाना पड़ेगा। आवाज़ में इसलिए आराम से बोल रहा हूँ, आवाज़ जो मेरी कम आ रही है, हम थोड़ी सी सेविंग कर रहे हैं अपनी आवाज़ की। ये पूरे रास्ते हम गाना गाते हुए आए थे, हम पूरे रास्ते चल रहे हैं। सोलान रह गए यहाँ से 6 किलोमीटर दूर, उसके बाद शिमला हम जा बात। अच्छा ठीक है, 5 है भाई, 5 भैया की बात माननी पड़ेगी। पहाड़ों के हम बिल्कुल पीक पे आ गए हैं, पहाड़ हमसे नीचे आ गए हैं अब कुछ पहाड़, ये तो है भी आ गए हमारे। हम जा रहे हैं स्पीति वैली, कुफरी, नारकंडा, रामपुर, नाको, ताबू और काजा, काजा के बाद कुंजुम पास, बाटल और फिर हम जाएंगे मनाली होते हुए सीधा घर। नज़ारे ही नज़ारे आ रहे हैं,
मौसम इतना सुहाना हो गया है ना, मजा ही आ रहा है। जय रखना, फोटो नहीं मैं वीडियो में विश्वास रखता हूँ। तो अभी रुके हम सोलान में और ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि सबको रुकना था, फ्रेश वगैरह होना था। चलो अभी रुक जाते हैं। और यहाँ ठंडक हो गई है, टेम्परेचर देख के बताता हूँ अभी नेट ऑन करके। यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, जा रुके हैं तरन तारन दड़ावा, अपनी इनोवा यहाँ खड़ी है, चलते हैं आप सबके पास। इस होटल का व्यू कितना प्यारा है, लौंडो मज़ा आ गया। ये चाय अभी क्यों आ गई भाई? यार चाय तो ठंडी हो गई यार सोहेल। लेकिन राम हग्गू ने आते ही बोल दिया ना चाय दे दो। अबे गिर मत जाइए भैया, वो तेरी तो खड़ी है एकदम। क्या नजारा है, यहाँ बैठ के चाय पीते हैं थोड़ी देर। क्या मस्त प्रॉपर्टी है, तेरी बक बक नहीं सुनी अभी तक पब्लिक ने। बक बक मिलने की आपको, अभी मैं रास्ते शुरू हुआ हूँ, एक्टिवेट हुआ हूँ 4:30 बजे में। सोहेल, कुलदीप अभी तक मिलाया नहीं मैंने किसी को यार अपने ब्लॉग में। इमरान भैया लुक नहीं दे रहे हैं आप, रामनगर कैसा लग रहा भाई? 17 डिग्री में आके फ्रेश रिजवान वहाँ लगा हुआ है। 400 किलोमीटर चल गए हम, 400 चल गए ना। फोटो शूट खत्म नहीं होके दे रहा, सैंडविच ऑर्डर कर रखे हैं। सैंडविच आती यार, चाय कितने ऑर्डर करी थी भाई तुमने? ठंडी करवा दी यार राम, वो चाय वो क्यों? चाय बहुत अच्छी थी लेकिन भाई ठंडी मिली हमें। क्या करें तुम्हें, जितने रखने में टाइम लगा अपनी मंगा ले जाना, जो भी अभी भाई लाइन लग रही थी वहाँ, एक तो वॉशरूम में था, लेडीज था भाई, तूने लेडीज मंगा। ट्रेन भी आ गई हमारे पीछे पीछे, सैंडविच भी आ गए, मैगी भी आ गई। इस अलग बंदे की अलग फरमाइश, मैगी भी आ गई। कालका से चलती है, नहीं कालका से चल रही, शिमला जाएगी। 8:44 यहाँ से चल रहे हैं हम। अभी हमारे शिमला की 50 किलोमीटर की और जर्नी रहेगी। और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है यार, खाना बहुत अच्छा है इसका। बाकी वॉशरूम से थोड़ा सा निराश हुए हैं बस, बाकी तो सब बढ़िया। चलो पराठे ना खा रहे, पराठे आगे खाएंगे अब। तू बस एंजॉय कर राम, देख सामने देख कितनी खूबसूरती है यार, माशाल्लाह। ये मुझे आने नहीं दे रहेगा। ओए होए इधर देखो बादल, मैं कुछ कह रहा हूँ ना मारो यार। राम तू मत देखे कुछ, सीधा देख यार, खूबसूरती है राम, डर मत। अब आया था पहाड़ियों पे है तुम्हारा, यहाँ तेज नहीं चला जाएगा। हाँ नजारे आराम से देखते हुए चलो। वो देखे हैं रोहतांग तक गए, खूब देखे। हाँ अब तुम जा रहे हो, वो एक्सट्रीम लेवल हो सकता है, वो नहीं देखा हमने। ओए हवा चल रही है बाहर, कुलदीप ने पहाड़ी की तरफ को तो मुंह ना कर रहा है। ऐसे जैसे ट्रक आ रहा है ना, ऐसे वो गाड़ी आ रही है, ठोक गई। अरे उधर से आ रहा था उस पर गाड़ी सीधी ना हुई, और वो चढ़ गई थी, पलटी पड़ी गाड़ी, तो गाड़ी तो पलट गई, इससे लग के पलटी है नहीं लगी। वो पहले वहां से कूद के आई है, इधर आई है, अरे अभी तो निकले भी ना है, निकले भी ना यार, अभी लगी है। चलवाएंगे यार, करें मदद। अरे वो अंदर वैसे घुसा हुआ है अभी, अर्टिगा 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 मतलब। टाइम हो रहा 9:40 और अभी फिर से हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था। रिजवान और सोहेल गए हैं कुछ फ्रूट्स लेने के लिए, यूनिक फ्रूट। पूरी रात सोए नहीं है ना मैं और सोहेल, तो सोए नहीं है, तो वो अब नींद ना हिट कर रही है शरीर को। मैं थोड़ा पीछे बैठूंगा आराम से, थोड़ी देर सो जाएंगे जब तक शिमला आता है। खुबानी सारे यूनिक फल हैं यहाँ, खजांची तो सही नहीं है हमारा। चल चल क्यों नहीं, ये है क्या, ये दोबारा बता। ये है खुबानी, ड्राई फ्रूट है ये, और हमारे यहाँ पे इसको सुखा के और फिर खाए। जो सुबह लेटरिन में जाके बैठते हैं और कितने तेज आ रहे हैं, आग लगाते, ये वाला चूरन तुम्हारे लिए आइए, और टॉयलेट में जाके बैठी और आवाज आएगी बुम बुम गुलाम। ये वाला जो लोशन है ये उन लोगों, अबे ये देख लोशन छोड़, ये सब यहाँ से नज़ारे देख भाई। मैं अब थोड़ी देर आराम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे नींद हिट कर रही है अब। जानवर है क्या? हाँ
यो सो जाओ। सो जाता हूँ थोड़ी देर। यू ऐसे बोला लड़का लड़की बिना हेलमेट सामने राम चश्मा दियो, राम चश्मा देना। लगा लिया मैंने। अरे तुझे तुझे नहीं लगाना था, मुझे लगा। जब पहली बार समझ गया माल रोड पे चला गया था तो पास ना ना माल रोड नजर है अपना घर। मैं बहुत प्यार करूं पहुंच गए शिमला। अबे जाम ही है ये, जाम ही है तो अब के ना पाल की। चलो 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 अरे मोरी मैया ये क्या था इमरान भैया डर के कैमरे में कैच हो गए तुम। कुफरी से 15 किलोमीटर पहले 5 किलोमीटर पहले 5 बस खींच दे फोटो नहीं वीडियो बन रही है। अक्षय कुमार कितना खड़ा हो जाए थे खड़ा हुई यहाँ थोड़ा सा हम हल्के हुए थे। ओ कैच इट ब्रो, मेरा ही बनता है फिर तो फोटो। कौन खा रहा भुट्टा? साले को भी गैस बन रही थी, भुट्टा खा रहा है। देख के राम देख के, ये क्रिस्टा ये वाले हम छीन लेंगे थोड़ी देर छिप जाओ इससे। अरे तेरे पेट में दर्द नहीं होगा बे? मैं खाऊंगा गूगल गप्पे। सही है सही है, आ जाएगी। व्लॉग इस बार के बहुत ज्यादा लंबे बनेंगे क्योंकि मैं एडिट नहीं करने वाला ज्यादा, मैं यादें समेटने आया हूँ। वीडियो से कुछ होता है नहीं रहा है ना भैया, तो याद ही समेट लेते हैं। भैया मीठे पानी वाला खिलाना एकदम जबरदस्त। नहीं 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 यही तो याद आएगा, पूरा चीरे चीरे यही बात तो याद आएंगी। बड़ा है, आजा कटोरी ले ले भैया जी। स्माइल मुझे तो दिखा दे, तू वीडियो में भाभी देखेंगे ना। खुला हुआ कोई सा थोड़ा नीचे करना, साइड से दिखाता हूँ। या सिनेमैटिक तो अजय देवगन। 12 बज गए हैं, राम वहाँ हमारी पिक ले रहा है। गठन के आती खटके ले ओंदे यार भी मरवा दे। चलो भी निकलो आराम से। बर्फ तो है ही ना? बर्फ यहाँ बर्फ नहीं मिलेगी भाई, अब कहाँ बर्फ मिलेगी। बड़ा मोटा था बर्फ का पल्ली था। अरे यार इतनी एडिटिंग में इतनी मेहनत करवाएंगे ना ये लोग मुझसे। राम लिख रहा है वहाँ, नागर लिख के आएंगे। हाँ नागर लिख के आएंगे राम, राम नागर कैसे राम नागर सुनो प्रसिद्ध नागर। इमरान भैया हम नारकंडा से थोड़ी पहले और रुके हैं, कैसा मौसम है यहाँ? हाँ कुकड़ी बनवा दी तुमने क्या? साबुन मट्टी है तो राम और क्या मट्टी है। कैसा लग रहा? इट्स अ डेली रूटीन फॉर मी। ओह जस्ट लाइक डेली रूटीन, लाइक एवरी मंथ आई यूज्ड टू गो एंड अप ऑन द हिल्स। ये ओवर एक्टिंग हो रही है, एडिटिंग में सब काट दूंगा मैं। हाँ कब तो देखेंगे, अगर रात को मिला ठीक नहीं तो गाड़ी। अरे भाई इतना नहीं होता ना यार, रात को नहीं 5-6 बजे तक रुक जाएंगे। यहाँ 4 बंदे हल्के हो लिए मुझे और सोहेल को छोड़ के। क्या मस्त लोकेशन, गाड़ियाँ खड़ी। राम भी ये फोटो चाहिए तेरे भाई। चलो मेरे दोस्तों चलो अंदर। नारकंडा नारकंडा ही निकलो उधर, पहले हम पे शिमला नहीं आ रहा था, फिर कुफरी नहीं आ रहा था, अब नारकंडा नहीं आ रहा। चलो भाई ये ऑटोमेटिक बंद होता है देखो दरवाजा। अरे 1:54 और अभी हमें राइट नाउ यहाँ बात ही मिलेगी मत ताजी नारकंडा। अभी हमारा रामपुर रह गया 66 किलोमीटर। नारकंडा जिला शिमला किलोमीटर अभी वो हमें जाना है नारकंडा से आगे, फिर रुक गए। अब चल रहा है लंच। दोबारा करना, ठंड लग रही है। राम नीचे ठंड नहीं लग रही, ऊपर ऊपर जगह कितनी प्यारी है। 2:36 नारकंडा से निकल चुके हैं हम। अब मेरा नहीं आया, लंच हो गया अपना हल्का 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 हल्का। तेरा ही तो भारी हुआ, हमने तो हल्का ही करा। मेरा बहुत हैवी हुआ भाई, तेरा बहुत हैवी हुआ। 3 पराठे यहां खा गया था, 2 पराठे वहां खा लिए। सही सही, मैं आपको वाले मार दूं ठीक ना। एंजॉय। वो बादल देखो कितने प्यारे आ गए। फुल एंजॉय।
एंजॉयमेंट चल रहा है। रास्तों का मजा ले लो लोंडो। कहाँ है पोटी चावल? पोटी चावल की तो फोटो पड़ी है मेरे पास। क्या चाहिए? क्या पोटी चावल? कोल्ड ड्रिंक लाने रुक रहे हैं बस। कहाँ गए हम? रामपुर तो पहुँचने वाले होंगे। हमारे लिए नया नहीं है। अरे क्यों नहीं है नया? सब बजरी बज रही है यहाँ से। वजन भी तेरा कम हो रहा है। अबे गाड़ी लेके क्यों जा रहे हो नीचे? लिया लिया लिया। चल जाएगी। अबे चल भी जाएगी। अरे चढ़ जाएगी, क्यों ना चढ़ेगी। हम जा रहे हैं सतलुज रिवर के पास और मैं थोड़ा पत्थर उत्थर हटा देता हूँ, अपनी गाड़ी जाएगी आराम से। बारिश आ रही है। टाइम हो रहा है 3:40 और हम अभी हैं सतलुज रिवर के पास रामपुर से 20 किलोमीटर पहले। मैं बारिश तो पड़ सकती है, मौसम आप सभी देख ही रहे हो। है आया थोड़ा थोड़ा स्वाद स्वाद आ रहा। जो टॉवल वाले सब बहुत तेज पानी है, यहाँ नहाएगा किनारे पे ही नहाऊंगा। ना नहाएगा ही नहीं, मैं नहाऊंगा। भैंस कितना मत कर, पानी है तेज यार। हाँ ना ना, अबे देख कितने बड़े बड़े पत्थर आके दिखा दूं तुझे। अबे पत्थर ही तो है, छोटे पत्थर नहीं है। चक्कर में ना पड़ो, देख के चलो। हो देख कितने बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं बह के। अरे नहाने की बात कर रहे हैं, बहुत गहरा पानी है, बहुत ही ज़्यादा गहरा। नीचे तक जाके दिखा के आता हूँ, बस इतना काम करूँगा। कुलदीप कहाँ पहुँच गया? बहते पानी में नहीं होता राम मगरमच्छ। हम भी तो डाल के देखें हाथ, वो कितने छोटे पत्थर पे रुका हुआ है। इतना बड़ा पत्थर इस पर हम खड़े थे अभी, देखना। अबे ये तो देख, खींचो नहीं वीडियो बन रही है राम, वो खाली पिक्चर है, ये यादें हैं। ये देखो रिजवान वहाँ मुँह धो रहा है। ओए होए होए होए, बर्फ पिघल गई भाई, मैं मुंह धो लेता हूँ। बस इस जगह में एक ही दिक्कत है, थोड़े से जानवर वगैरह मरे पड़े, बाकी सब बढ़िया है। नज़ारा बहुत खूबसूरत है। अब यहाँ से निकल रहे, थोड़ी सी भी एक्टिविटी करते हैं सांस फूल जाती है यहाँ। चलो ये देखना कितनी प्यारी जगह पे खड़ी है गाड़ी। चलो भाई चलो 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 चलो। हाँ हाँ, ट्रेलर हल्के हल्के से आने शुरू हो गए हैं, ऐसे ही रास्ता हमें मिलेगा। ये तो अभी कुछ भी नहीं है यार, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ नहीं, हमें बस चाहिए, पर प्लेन चाहिए जिसमें ये अभी चले जाए। कैमरे में तो बहुत छोटे छोटे लगने लग जाते हैं। कहाँ पहुँच जाती है ये चीजें यार? या तुम्हारे लद्दाख से तो ज्यादा खर्च है ये। हाँ एक्सट्रीम है ये भी। रामपुर देख, कुलदीप से पूछो। कुलदीप रामपुर आ गए हम, रामपुर में जाने के लिए। रामपुर चले, रामपुर चले, एक रामपुर लिखा आ गया। ना ना ऊपर चल, नीचे नहीं जा रहे। जी ऐसे खा ले, व्यूज का मजा लेंगे हम यहाँ से। हमने होटल हाँ। ले लिया है रामपुर में। बोल रहा हूँ अभी, रुक जा। इमरान भैया सही टाइम पे ले लिया। अरे सही टाइम पे ले लिया, बढ़िया होटल है ना। क्या हो गया? फांस भाई हमारे लिए गेस्ट है या आप वाले सीट में रुकेंगे? ड्राइवर आदमी स्वीट नहीं है ना, जो भी आपके लिए हमने बेड लगा रखा। आपके लिए नीचे अलग से बेड, एक खल्लासी के लिए भी बेड है, दूसरे कमरे में एक कंडक्टर के लिए भी। आप चाहे तो एक खल्लासी कंडक्टर नहीं, खल्लासी ड्राइवर। हाँ वही ये है, देखो रिवर साइड व्यू भी है इधर। फोर्थ फ्लोर पर मजा आ गया यार, विक्टोरिया वाले फोन उठा रहे। ये हमने दो कमरे लिए, ये सही है, व्यू बहुत प्यारा है यहाँ से। एक यहाँ है, यहाँ पब्लिक पड़ गई है। वाओ पर्दे हटा दिए, इतना बड़ा पहाड़ है। होटल की प्रॉपर्टी बेहद खूबसूरत है, यहाँ भी है बैठने की जगह। यहाँ हमारे रूम से इधर आप जा सकते हो,
डेंजर है यहाँ पर, मना कर रखा है, पर हल्का सा यहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रीप है तो नहीं जाएंगे, यहीं खड़े होकर ब्लॉग का एंड करेंगे। वहाँ देखो रिवर की आवाज़ आ रही है, रात में और क्लियर आएगी। पहले मैं इस होटल में ले रहे थे पर इसके कमरे अच्छे नहीं थे। अभी तो यहाँ नेट वगैरह भी आ रहा है, हमें जाना है नाको और ग्यू में, मम्मी है एक टेम्पल वो देखना है, और टाबू मोनेस्ट्री में जाना है और धनकर मोनेस्ट्री में, उसके बाद काजा पहुँच जाएंगे। 3000 फीट पे हम धीरे धीरे ना क्लाइंब करके पहुँचेंगे 12,500 फीट, तो हमें थोड़ी दिक्कत भी होगी सांस वगैरह में और नेटवर्क भी चले जाएंगे। आज हमने पूरे 550 किलोमीटर चलाई गाड़ी, सही आगे पूरी रात के चले हुए थे। हमारा प्लान था नाको में जाने का, पर अब लेट हो गए थे इसलिए फिर हम आगे गए नहीं, क्योंकि इसके बाद ना फिर सांगला में और चिटकुल में, चिटकुला में जाना। तो अब नेक्स्ट व्लॉग में देखना हम कहाँ कहाँ तक पहुँचे, और मैं व्लॉग्स ये ना लेट डालूंगा क्योंकि अपलोड तो कर नहीं पाऊँगा, एडिटिंग भी नहीं कर पाऊँगा। आज 21 जून, टाइम 7:30 हो चुके हैं, अंधेरा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ व्लॉग अभी एंड कर देता हूँ, फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर मन भी नहीं करता और जाके आराम करेंगे। अब सुबह जल्दी उठ के जल्दी जाना है नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू मेकिंग पार्ट ऑफ डे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, द ऑफिस फॉर योर ड्रीम्स, वीडियोस बना रहा हूं यार यादों के लिए, कुछ बोलो। आजा राम, इतने आगे मत जा, वो बड़ा वाला भी गिर रहा था, वो धूल उड़ेगी अब। रुक गया, रुक गया ना, को पीछे रह गया, हम आगे आ गए।